चुके हैं और ये जाके सीधे सरयू नदी पे विश्राम किए जाएंगे। इसका अंत वहीं पे होगा, इसका वहीं पर रोका जाएगा जहाँ पे फिर रामलला की मूर्ति को नहलाया जाएगा, उनका उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। आप ये झांकी देख सकते हैं, आप ये झांकी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत झांकी इस बनाया गया। इसमें महाभारत और रामायण के अलग अलग चलचित्रों को दिखाया जा रहा है कि कैसे क्या क्या कब हुआ था। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोक नृत्य हो रहा है, यहाँ पे लोग अपने भाव को दिखाने के लिए, भक्ति को दिखाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग नृत्य हुए रहे हैं और लोग अलग अलग वेशभूषा पहन के वहाँ की संस्कृति को दिखा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके का डांस होता है, किस तरीके का नृत्य होता है और वहाँ की क्या परंपरा है और वहाँ पे कैसे गाने और डांस होता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और झांकी निकली हुई है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि रामलला और लक्ष्मण जी को एक रथ में बैठा के ले जाया जा रहा है और पीछे उनका घर बना हुआ है कि कैसे वो 14 साल के वनवास में गए थे और वहाँ पे उन्हें रहना पड़ा था और 14 साल वो कैसे जिए थे, उनका पूरा पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है कि कैसे वो घास में रहते थे, कैसा उनको एक छोटी सी कुटिया दी गई थी, उनके पास एक बड़ी कुटिया भी नहीं थी, उनके पास एक महल नहीं था, कहाँ महल से वो सीधे कुटिया में आ गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूल के साथ सजाया गया है, यहाँ पे राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की मूर्ति है और यहाँ पे होके सब लोग गाने गा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और अपनी भक्ति को बयां कर रहे हैं। आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे रामलला की और लक्ष्मण जी की मूर्ति है कि कैसे सबरी उन्हें अपने झूठे बेर खिलाती है और कैसे वो रामलला वो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि वो झूठे बेर भी खा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और सबरी के वो झूठे बेर भी खाते हैं। और आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ आगे भी एक झांकी लगी हुई है जहाँ पे सीता का हरण किया जाता है, जहाँ पे रावण और सीता एक उसमें बैठे हैं कि कैसे वो हरण करते हैं। उसके बाद आगे राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कलाकृति है, कितनी खूबसूरती से इस झांकी को बनाया गया। और ऐसी ही तमाम झांकियां यहाँ से होकर सरयू नदी तक जाएंगी जहाँ पर रामलला की छोटी सी मूर्ति का स्नान कराया जाएगा।